नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। मणिपुर की वीडियो से पीएम मोदी हुए दुखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई नाराजगी, कहा महिलाओं से अत्याचार मामले में अब तक क्या हुआ। असम के सीएम ने ट्विटर अकाउंट के बायो में किया बदलाव, इंडिया हटाकर लिखा भारत। केसीआर सरकार मुझे गिरफ्तार कर रही। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को किया गया नजरबंद। इंडिया गठबंधन ने दिया नारा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। 26 दलों ने तय की 2024 की अपनी चुनावी टैगलाइन। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं थम रहा युद्ध, दक्षिणी यूक्रेन में हुए हमले में 21 लोग घायल। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, आज आएगा जिला अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका 5 जजों की बेंच के पास भी। अब किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे नेटफ्लिक्स अकाउंट और पासवर्ड, कंपनी ने शुरू किया पेड फीचर। राहुल द्रविड ने विराट कोहली की शान में कही बड़ी बात, बोले माइलस्टोन हासिल करना कड़ी मेहनत का उदाहरण। आर्यन खान धन उगाही मामले में सीबीआई ने अब मुनमुन धमीजा को भेजा समन, समीर वानखेड़े के खिलाफ चल रही है जांच। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।